और 64 उत्तर प्रदेश वाहिनी द्वारा आशा मालवीय का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। ट्रैक एवं पर्वतारोहण में राष्ट्रीय एथलीट और एक उत्साही साइकिल चालक आशा मालवीय को एनसीसी ग्रुप लखनऊ के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर नीरज पुनेठा और अन्य एनसीसी वाहिनी के अधिकारियों की मौजूदगी में एनसीसी निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल विक्रम कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। आशा मालवीय 25,000 किलोमीटर की एकल साइकिल यात्रा के मिशन पर है और उन्होंने 19,000 किलोमीटर की दूरी तय की है और 22 राज्यों से होती हुई उत्तर प्रदेश पहुंची है। अब वह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में एकल साइकिल यात्रा कर रही है। उनकी यात्रा 1 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ शुरू हुई थी। वह 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस पर अपनी यात्रा का समापन करेंगी। मिस आशा मालवीय जिन्होंने एक मिशन अपने लिए आइडेंटिफाई किया था कि पूरे देश का साइकिल पे भ्रमण करेंगी और तमाम स्टेट्स को टच करेंगी, तो और उनका मकसद था विमेन एम्पावरमेंट, विमेन सिक्योरिटी। नारी शक्ति का ट्रू एग्जाम्पल मिस आशा देवी ने दिया है अपना इस मिशन को अंडरटेक करते हुए। तो 19,000 किलोमीटर चल के वो यूपी में लखनऊ में पहुंची हैं और अभी इनका 6,000 किलोमीटर का सफर बाकी है। इन विचारों से जो प्रेरणा हमारे कैडेट्स को मिलनी है उसके लिए हमने आज ये प्रोग्राम आयोजित किया, जिससे कि हमारे कैडेट्स ऐसी महिला से इंटरेक्ट करें जो अपने महिला होने का या अपने अकेले होने का दोनों को अपनी कमी नहीं अपनी ताकत मानती हैं। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, और मैं इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जिस तरह आज हमारे भारत देश की महिलाएं कहीं ना कहीं भारत में होते हुए भी ये सोचती है कि हमें डर लग रहा है, हम सुरक्षित नहीं है, तो सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए मेरे पास मैसेज है कि हमें हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा की फर्स्ट जिम्मेदारी हमारी खुद की होना चाहिए। और मैं इस यात्रा का समापन 15 अगस्त को दिल्ली में कर रही हूँ। मेरा 15 अगस्त में दिल्ली में समापन करने का उद्देश्य है कि मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलकर हमारे देश की जो छवि है वो विदेशों में जाए, ऐसा मेरी यात्रा का 15 अगस्त को दिल्ली में समापन करने का उद्देश्य है।